प्रणाम, राम राम। खूब छा, क्या हाल है आप सबके? स्वागत नहीं करोगे हमारा? काफ़ी टाइम हो गया YouTube में आए हुए। कुछ निजी पर्सनल कारणों से मैं YouTube में काफ़ी टाइम से बन नहीं पाया, एंड नाउ आई एम बैक। तो मेरे को हाल फिलहाल अभी बहुत सारी मैसेजेज आ रहे हैं, काफ़ी सारे कॉल्स आ रही हैं इंडिया से, हमारे मित्र के, रिलेटिव के घर से रोज़ फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि भैया तुम ठीक तो हो? आप चाइना में हो, चाइना की स्थिति कैसी है? और उससे पहले आपकी स्थिति कैसी है ज़रा बताइएगा ज़रूर। तो मैंने कहा क्यों ना आपके जो प्रश्न हैं कई सारे, उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो से, वीडियो के माध्यम से दिया जाए, इस ब्लॉग के माध्यम से दिया जाए। तो खुद ही देख लीजिए भैया क्या स्थिति है। फिलहाल मैं देखिए अभी मास्क नीचे कर रखा है, अभी अंदर जहाँ भीड़ भाड़ होगी वहाँ तो खैर मास्क लगेगा, लेकिन स्थिति ब्लॉग के माध्यम से आपको 100% आपको पता चलेगी। चलिए जी, ये तो बाहर का नज़ारा है, और बाहर का नज़ारा तो है लेकिन किस बाहर का नज़ारा है, कहाँ है जगह? मैं रखूँ अभी यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, मेरी सिटी के। अरे भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। तबीयत ठीक है, मस्त है, चंगा है। कुछ दिन पहले मेरे को कोरोना हुआ था, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना का नाम बदल के भी इन्होंने कोविड पेंडेमिक से बदल के कोविड इन्फेक्शन कर दिया है। और नाम की बात नहीं है, अभी ऐसा हो चुका है यहाँ पे क्या, पूरे विश्व में फ्लू की तरह हो चुका है, बस नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग घरों में ठीक हो रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में अपना दवाई खा के ठीक हो रहे हैं, कोई तो बिना दवाई खाए भी ठीक हो रहे हैं। मेरे खुद जानने वाले हैं, अभी मेरी फैमिली को हुआ था, मेरी वाइफ, उनकी मम्मी को भी हुआ था, तो लेकिन वो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, वो तो बिना दवाई खाए ही ठीक हो गए, चुस्त तंदुरुस्त है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पिताजी को भी हुआ अभी उनके बाद में, उसके पिताजी भी काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनने में आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे भैया कि चाइना में काफ़ी लाशों के ढेर पड़े हैं, तो आपने देख ही लिया होगा कितने ढेर पड़े हुए हैं बाहर में, लाशों के कितने ढेर पड़े हुए हैं, भीड़ भाड़ कितनी कम है, है? कोई ढेर नहीं है भाई साहब, लाशों के ढेर नहीं है, लाशों के ढेर होते तो लोग बाग बाहर निकलने से भी कतराते। और जितनी यहाँ पे दुकानें खुला हैं, मॉल खुले हैं, पब बार हर चीज़ खुला है, टूरिस्ट स्पॉट्स खुले हैं, तो कोई उसमें उसको देख के कोई लग ही नहीं सकता किसी को। और बात में सच्चाई है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं हमारे प्रति, है ना, आपकी चिंता जायज़ है, क्योंकि कोविड यहाँ पे लोगों को हो रहा है। यहाँ पे 2-3 साल तक बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि कहीं भी किसी भी मॉल में जाओ, QR कोड होता है एक, वो ग्रीन होगा आपको तभी अंदर जाने दिया जाएगा, मॉल में हो गया, दुकान में हो गया। और अभी क्या हो गया कि अभी इन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन जितने थे वो सारे हटा लिए हैं, अभी खुलेआम बिना किसी QR कोड को दिखाए हुए आप कहीं भी किसी भी मॉल में कि किसी भी जगह आप एंटर हो सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो भैया और जीरो कोविड पॉलिसी भी थी इनकी, कोई भी केस बाहर से आता था उसको तुरंत क्वारंटाइन कर देते थे, क्वारंटाइन करने के बाद में वो एरिया अभी सील कर दिया जाता था। तो अब ऐसा कोई नहीं है, किसको है किसको नहीं है कुछ पता नहीं है, लेकिन है बहुत लोगों को हो रहा है जिनको पहले कोविड नहीं हुआ है, उनकी एंटीबॉडी बन रही है, पहले नहीं बनी थी, जाहिर सी बात है पहले हुआ नहीं बहुत लोगों को, तो एकदम से इनने खोला है, तो बहुत पूरा चाइना जब खुल गया है तो लोगों को सर्दी जुकाम नॉर्मली हो ही रहा है ना। अब कुछ लोग जो डरे हुए हैं वो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में लोगों की संख्या भी बहुत कम है कोविड वालों की, क्योंकि घर में ही वो ठीक हो रहे हैं। अभी मैं आपको बाज़ार भी लिए चलूँगा, दिखाऊँगा बाज़ार मार्केट यहाँ पे कैसे खुले हैं।
अच्छा मैं भी यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों आ रखा हूँ, इसका मेन रीज़न है कोविड टेस्ट कराने आया हूँ। कोविड हुआ था मेरे को, मैं अभी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, उतर गया था वो तो खैर दूसरे ही दिन। अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने। यहाँ पे वैसे कोविड किट है लोगों के हाथों में, लोगों के पास, घरों में ज़्यादातर लोगों के पास। मेरे पास किट नहीं थी, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल आ जाओ, नज़दीकी है, टेस्ट कराओ, भीड़ भाड़ भी नहीं है। अपना वैसे नेगेटिव ही होगा, लेकिन चलो मैंने कहा तसल्ली के लिए एक बार टेस्ट कराने आते हैं, और साथ ही साथ एक व्लॉग भी आपके लिए शूट हो जाएगा, है ना, आपको यहाँ की रियल स्थिति का पता चल जाएगा। तो चलते हैं अंदर हॉस्पिटल के। पर्ची कट चुकी है, तो अभी मैं टेस्टिंग कराने जाऊंगा। ये सामने देख रहे हो आप कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे मरीजों के साथ में आए हुए लोग कॉफ़ी का यहाँ पे शॉप में आनंद ले सकते हैं। ये शॉप हॉस्पिटल के ही अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो बढ़ते हैं आगे और टेस्ट कराने चलते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर का माहौल, साफ सफाई बड़ी बढ़िया, कोई भी दवाइयों की यहाँ पे महक नहीं आती भी, कोई भी पता नहीं चल रहा कि हम हॉस्पिटल में हैं कि हम किसी 5-स्टार होटल में हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी टेस्टिंग करा रहा है कोविड टेस्टिंग। तो ये टेस्ट करा के अब आते हैं बाहर की तरफ, और बाहर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी तो अभी आपने देखा यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, और यहाँ से राइट टर्न लेके आप देख सकते हो सामने KFC KFC भी यहाँ पे मौजूद है। मरीजों के साथ में आए हुए लोग या जिनको हल्की फुल्की बीमारी है, जिनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, वो यहाँ पे KFC का भी आनंद उठाते हुए, KFC के अंदर भी काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। KFC भी हॉस्पिटल के ही अंदर यहाँ पे खुला हुआ है। तो अभी मैं अपना कोविड टेस्ट करा के आ गया, रिपोर्ट अभी कुछ घंटों बाद आएगी और मेरे को मैसेज मिल जाएगा जैसे रिपोर्ट आएगी। तो अंदर तो भैया कुछ भी भीड़ नहीं है नॉर्मल टाइम पे, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है जितनी भीड़ होती है उससे भी कम भीड़ है। कोविड पेशेंट बहुत कम है, बहुत कम रियली, क्योंकि मैंने जैसे कहा गर्भगृह में ही लोग ठीक हो रहे हैं, है ना। ज़्यादातर जितने भी पेशेंट हैं वो किसी और चीज़ के मरीज हैं या किसी और चीज़ की सुविधा यहाँ पे लेने के लिए आ रखे हैं। अंदर KFC खुला हुआ है, लोग चिकन मटन तोड़ रहे हैं, कॉफ़ी की जो शॉप है वो अंदर यहाँ पे खुली हुई है। तो अंदर तो बड़ा नॉर्मल ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि एक वार्ड में भी गया मैं अभी, वहाँ मैं फ़ोटो वीडियो शूट करना सही नहीं समझा, वहाँ भी ज़्यादातर जो मरीज़ थे थोड़े बहुत वो आपके कुछ और पेशेंट थे, तो वही है, वो भी कम थे। तो चलते हैं अभी आगे, बढ़ते हैं बाजार का रुख करते हैं और देखते हैं बाजार में कितनी भीड़ है मॉल में। लेट्स गो, चलो भैया। Inside. हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ मॉल के बाहर, पहुंच चुका हूँ, अभी टैक्सी से उतरा हूँ। देखो भीड़ भाड़ हो रही है भैया मॉल में, तो है ना, जैसे नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल टाइम ही है एक तरीके से, नॉर्मल टाइम ही है।
बस ऐसा है कि जिसको ज़्यादा बुखार है, फीवर है, वो घर में रेस्ट कर रहे हैं, अपना आराम फरमा रहे हैं। जिनको कुछ दिक्कत नहीं हो, अपना घूम रहे हैं, मॉल वगैरह सब खुली हैं, दुकानें खुली हैं, टैक्सियाँ भी लगी पड़ी हैं। ये लो जी स्टारबक्स कॉफ़ी, या आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, पर इंटरनेशनल ब्रांड है कॉफ़ी की, बहुत बड़ी ब्रांड। और इसका भी सीईओ बदल के अभी हमारे एक कोई इंडियन भ्राताश्री ही इसके सीईओ बने हैं। चाइना वेलफेयर लॉटरी ये साइड में, यहाँ से आप लॉटरी का टिकट ले सकते हो, 10 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, है ना, और यहाँ से जीत भी सकते हैं लॉटरी, और डिपेंड करता है आपके लक पे, है ना। लेकिन कोई इसके पचड़े में पड़ गया अगर एक बार, तो भैया काफ़ी पैसे भी गंवाने पड़ सकते हैं। कभी कभार एज ए खेल के रूप में इसका लुफ्त से उठाया जा सकता है लॉटरी का। ये देखिए, ये शॉप है आपके रेडमी की, शाओमी बोलते हैं चाइनीज़ में, मोबाइल फ़ोन वगैरह और इनकी जो जो चीज़ों के लिए ये लोग फेमस हैं, वो चीज़ें इस दुकान में, इनका शोरूम है, यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। कॉफ़ी शॉप में भी सामने बहुत भीड़ लगी हुई है, ऐसे जो 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 नॉर्मल टाइम होता है, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम भी अंदर कुछ पता चल ही नहीं रहा कि कोविड का टाइम चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल फ्लू की तरह, जैसे कि मैं आपको बहुत बार अभी बोल चुका हूँ, नॉर्मल फ्लू की तरह यहाँ पे चल रहा है। और ये लोग जो हैं हट्टे कट्टे, अभी इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोग बाहर घूम रहे हैं अभी। ये सामने देखिए चाइनीज़ मिठाई की दुकान, ब्रेड है यहाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, आपका चीज़ केक हो गया, और बहुत सारी चाइनीज़ मिठाइयाँ यहाँ पे इसका आस्वादन किया जा सकता है। इंडियन लोगों को मिठाइयाँ भाई बहुत पसंद होती है, तो ये शॉप स्पेशली हम इंडियंस को काफ़ी पसंद आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कितनी भीड़ है और दुकानें कितनी खुला है। अब तक तो मैं जहाँ जहाँ भी घूमा हूँ सब जगह दुकानें कोई भी बंद नहीं है, फुली ओपन है। ये देखिए जी चाइनीज़ फूड कोर्ट में भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है और लोग चाइनीज़ खाने का लुफ्त उठाते हुए यहाँ पे। हाँ जी, तो हमने अभी मास्क उठा लिया है और नॉर्मल है, यहाँ पे लोग बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बिना किसी डर, बिना किसी संदेह के, है ना। तो भारत में हमारे थोड़ा जो हमारे चाहने वाले हैं उनको थोड़ा चिंता है, तो उनकी चिंता भी अभी हमने शायद इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी चिंता दूर हो गई होगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे रियल स्थिति क्या है। जिनको डर है, जिनको चिंता है अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स की, ये वीडियो उनकी शंका दूर कर पाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद,
जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो लाल बटन दिख रहा है उस पर पिल्लो मारो, हाथ मारो, अंगूठा मारो, कुछ भी मारो भाई, सब्सक्राइब कर लो। आगे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और बनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अपना अच्छे से ख्याल रखें। बल एक्स्ट्रा डोज। हमारी सरकार को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये एयरपोर्ट पे इस तरीके से ये ताम झाम ये क्यों किया हुआ है। तो भैया ताम झाम वो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट। बाहर केसेस आ रहे हैं, भले ही नॉर्मल है, फ्लू है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी जिनको नहीं हुआ है, एज ए फ्लू की तरह वो होगा, किसी को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपनी तरफ से आदमी को मुस्तैद होना चाहिए, है ना। तो केसेस इतने आ रहे हैं, तो ये सुन के हमारी जो सरकार है वो भी बधाई के पात्र है। उनके पूरे मुस्तैदी एयरपोर्ट पर लगा रखी है और इस चीज़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। बाकी किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारे भारतीय हैं सबकी एंटीबॉडी बन चुकी है। जब ये खुला था, ये कोविड काल उस टाइम चल रहा था, सब कुछ खोल दिया था भारतीय सरकार ने, विदेश में भी कई जगह खुल चुका था, तो उस टाइम ही हमारी तो एंटीबॉडी बन चुकी है इंडियन लोगों की। तो अभी उनको किसी भी चीज़ से कोई डरने वाली बात नहीं है। जिनकी नहीं बनी है, अगर वो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फ्लू की तरह है। मैं भी आपके सामने भला चंगा भी यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ। सुबह